नमस्कार, मैं हूँ सानेराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर ने बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि वो सीएए के विरोध में स्टार्टिंग से थे। जब वो नीतीश के साथ थे तब भी वो सीएए का विरोध कर रहे थे, जबकि वो उन्हीं के पार्टी में थे और नीतीश कुमार जो थे वो लगातार सीएए को बिल पास करवाने में लगे हुए थे। लेकिन इस बार फिर से प्रशांत किशोर ये कहते हुए नजर आए कि वो बिल्कुल इस बिल के विरोध में है और ये बिल पास नहीं होना चाहिए क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स को ट्रिगर करता है और इस बिल को पास नहीं होना चाहिए था। जिस तरीके से सीएए का बिल पास हुआ है उसके बाद से बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी बीच प्रशांत किशोर भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सीएए बिल पास नहीं होना चाहिए। चलिए आपको सुनवाते हैं कि प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं। भैया, आज से 3 साल पहले जब पहली बार सीएए एनआरसी की चर्चा हुई तब मैं नीतीश जी के साथ था और इसी मुद्दे पर नीतीश कुमार ने उस समय लोगों से, दल से, दल के साथियों से धोखा करके भाजपा के साथ मिलकर इस बिल को लाने में, इसके प्रावधान को देश में लागू कराने के पक्ष में वोट दिया था। तब मैंने खुलकर दल में रहते हुए विरोध किया, उनके दल को छोड़ा और मैं बिल्कुल ही इस पूरी परिकल्पना के, इस अध्यादेश के, इस कानून के विरोध में हूँ। इसलिए नहीं कि इसमें मुसलमान का क्या होगा, हिंदू का क्या होगा, भाजपा क्या कह रही है, विपक्षी दल क्या कह रहे हैं। इस पूरे कानून के विरोध में इसलिए है कि ये संविधान की मूल भावनाओं के विपरीत है। जो इस देश के फाउंडिंग फादर्स हैं, जिन लोगों ने इस देश को बनाया, जिन लोगों ने संविधान को बनाया, उन्होंने इस बात को तय किया कि जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो जैसे ही आप नागरिकता को धर्म से जोड़ेंगे, चाहे आपकी मंशा ठीक हो या खराब हो, अलग विवाद का मामला है, बहस का मुद्दा है, लेकिन आप संविधान की या इस देश को बनाने वालों की जो मूल भावना है उसका अनादर कर रहे हैं। इसलिए मैं सीएए के खिलाफ में पहले भी था, आज भी हूँ और आगे भी रहूंगा। तो आपने सुना कि प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है सीए बिल को लेकर। लगातार विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बिल पास होना ही नहीं चाहिए था और ये बिल जो है वो फंडामेंटल राइट्स को ट्रिगर करता है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार संवाददाता।